Assalamualaikum everybody, hope you people are fine and safe at your home. उम्मीद है कि आप सबने बहुत याद किया होगा मुझे. सो आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू हनी विंग्स, जो कि बहुत मज़ेदार थे. चलें देखते हैं उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें क्या क्या चाहिए. यहाँ हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन विंग्स, 2 कप मैदा. ये 2 कप मैदा जो है हमने एक बॉल में डाल लिया है. हमें चाहिए 1.5 खाने का चम्मच, 2 खाने का चम्मच. हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच. हमें चाहिए धनिया जो कि थोड़ा पिसा हुआ है, 1.5 खाने का चम्मच. हमें चाहिए पेपरिका पाउडर और 1.5 खाने का चम्मच ही हमें चाहिए नमक. 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए पार्सले और 1.5 खाने का चम्मच हमें चाहिए वाइट पेपर. अगर ब्लैक पेपर है तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है. अब किसी बाउल में जो कि लिड वाला हो, ढक्कन वाला हो, उसमें आप ये सारे मैदे के साथ ये सारे जो मसाला चाहते हैं वो आप डाल दें. जैसे कि हमने पहले डाला पेपरिका पाउडर, फिर हमने उसमें डाला धनिया, फिर हमने काली मिर्च डाली या सफ़ेद मिर्च, फिर हमने लाल मिर्च डाली, पार्सले और फिर नमक. अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करें. ये जो हम एक कोटिंग बना रहे हैं मैदे से, वो हमने चिकन के ऊपर लगानी है उसकी कोटिंग के लिए, उसकी मैरिनेशन के लिए. अगर आपके पास एक जिप लॉक बैग है प्लास्टिक का या पॉलीथीन का, तो आप उसमें भी ये अपना सारा जो है वो मटेरियल तैयार कर सकते हैं. अब इसमें हम डाल रहे हैं अपने चिकन विंग्स. चिकन विंग्स को हम इसमें डाल के इसको अच्छा सा टॉस करेंगे, इसको हिलाएंगे ताकि इसकी कोटिंग हो सके. ये देखें, लिड हमने बंद किया और इसको अच्छा सा टॉस किया. इस तरह से करने से चिकन विंग्स के ऊपर चारों तरफ जो है वो मैदे का बनाया हुआ जो हमने मसाला है, जो कोटिंग का मसाला है, वो अच्छा सा इसके ऊपर लग जाएगा. और यही तरीका आप सारे चिकन के साथ इसको अपनाएंगे. अगर आपके पास जिप लॉक बैग है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, तो उसी जिप लॉक बैग में अपना मैदे का मटेरियल सारा तैयार करके चिकन को डालने के बाद आप उसको अच्छा सा हिलाएं, उसको अच्छा सा टॉस करें, उसको शेक करें. उसको उससे ये होगा कि मसाला जो है वो चिकन को अच्छी तरह से लग जाएगा. जी, ये हमारा जो है वो चिकन हो गया है तैयार फ्राई करने के लिए. बिल्कुल ये रेडी है. ये देखें, अच्छी तरह से चिकन जो है वो हर तरफ, चिकन के ऊपर मसाला जो है वो हर तरफ लग गया. अब हमारे पास कुछ आलू पड़े थे. आलू को हमने फ्राइज़ फॉर्म में काट के उसी मैदे में हम जो है वो टॉस कर रहे हैं, उसके हम फ्राइज़ बनाएंगे. ऑयल हमारा गर्म हो गया है लो मीडियम फ्लेम पे, यानी कि दरमियानी धीमी आंच पे. ऑयल कोई गर्माइश देखने के लिए, उसके हीट अप देखने के लिए उसको, उसमें आप चिकन का एक छोटा सा पीस डाल के उसको चेक कर सकते हैं. अब हम इसमें चिकन डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं. कोशिश करें कि दरमियानी धीमी आंच पे ये सब करें, वरना तो तेज़ आंच पे चिकन जो है वो क्रस्टी हो जाएगा, ऊपर से जल जाएगा और अंदर से आपका जो है वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो कि एक चिकन विंग्स का टेंडर और जूसी आता है. सो एहतियात से इसको बहुत अच्छे से, इसको गोल्डन ब्राउन होने पे इसको जो है वो उतार लें कि कम से कम 6 से 7 मिनट में आपका जो है वो चिकन फ्राई हो जाता है. आप चिकन निकाल के इसको एक ट्रे में निकाल के साइड पे रख लें और बाकी के चिकन को भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से फ्राई कर लें. हमने इसी मैदे के जो हमने मटेरियल बनाया था उसमें, उसी में हमने जो है वो अपने फ्राइज़ भी कर लेने हैं. अगर आपको पसंद है तो आलू को फ्राइज़ फॉर्म में काट के आप उसमें अच्छा सा कोट करें मैदे में और फ्राइज़ तैयार करें. बहुत मज़े के फ्राइज़ बनते हैं, क्रिस्पी भी और अच्छे भी. और ये जो हमने मैदे का मटेरियल बनाया है, ये अगर आप लोग चाहें तो इसको आप किसी जिप लॉक बैग में डाल के इसको सेव कर सकते हैं. कैबिनेट में रख दें, किसी बॉक्स में डाल के रख दें और बाद में किसी भी मैरिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इवन उसी जो आपने मैदे का मटेरियल बनाया है उसमें हल्का सा जो है पानी डालने के बाद उसका एक लिक्विड सा बैटर भी बनाया जा सकता है, जो कि चिकन के ऊपर कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
ये देखिए फ्राइज हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। ये फ्राइज बहुत मज़ेदार हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ये नॉर्मल फ्राइज से थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो मैदे की है, और मैदे में आपको पता है जो हमने मसाला डाला था वो उसका टेस्ट आ जाता है। यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस है हमारे पास, 2.5 चम्मच हमारे पास हैं शहद, और 3 पीस हमने जो है वो गार्लिक के चॉप किए हैं, और 1 चम्मच हमारे पास है हॉट सॉस। 1 चम्मच ऑयल हमने पैन में डाल के उसको गर्म करना है, और उसमें हमने डालना है ये क्रश किया हुआ चॉप किया हुआ 3 पीस गार्लिक। अब इसको हम अच्छा से फ्राई करेंगे। ये हम बना रहे हैं चिकन विंग्स की सॉस। अब ये हल्का सा फ्राई हो जाए गोल्डन ब्राउन सा, तो हम उसके अंदर में अपनी जो बारबेक्यू सॉस है जो कि है 4 टेबलस्पून, 4 खाने के बड़े चम्मच जो हैं वो हमने उसमें बारबेक्यू सॉस डाला है। साथ में हम इसमें डालेंगे शहद जो कि है 2.5 चम्मच, उसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर में 1 चम्मच हॉट सॉस का। ये अच्छी सी हमारी जो है वो सॉस रेडी हो गई है सिर्फ 1 मिनट में, और अब इसमें इसके अंदर हम डाल रहे हैं अपने जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो इसमें डाल के हम इसको अच्छा सा हिलाएंगे। इस मिक्सचर को कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर टॉस कर सकें इसको। ये देखें जनाब, ये हमारे चिकन विंग्स हैं तैयार बिल्कुल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इसके ऊपर सेसमीस के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, यानी जो तिल होते हैं आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।